कैसी बातें कर रहे हैं श्यामलाल जी, वीरू कहाँ से आपको पैसे दे देगा, वो तो कब से घर पे निठल्ला बैठा हुआ है। अरे मेरा फोन काट दिया। वीरू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा आप आम खाओ ना, पेट क्यों गिन रहे हैं? और श्यामलाल जी से कह दीजिएगा हर महीने टाइम पे पैसे मिलते रहेंगे उन्हें। नालायक! अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चोरी करके आया है, जुआ खेल के आया है? इस तरह हराम के पैसे जुगाड़ने से बेहतर ये है कि घर में तू खाली पड़ा रहे। अरे खाना पीना चल रहा है ना तेरा, मत कर ये एहसान हम पर। देख रही हो तुम, कलेक्टर बनने की दुआ मांगती थी इसकी, डकैत बन गया ये। पापा मैंने कोई चोरी नहीं की, वो पैसे मेरी मेहनत के हैं। उस दिन श्यामलाल जी के सामने आपका झुका हुआ सर देखकर मैं अपनी नजरों में गिर गया था। अरे बोल ना, अब मुंह में दही जम गई क्या तेरे? जब पैसे लौटाने की औकात नहीं है तो उधार लेते क्यों हो? श्यामलाल जी दे दूंगा पैसे, मगर यहाँ सबके सामने तो मेरी इज्जत मत उतारो। अब बड़ी इज्जत की चिंता हो रही है तुझे, तो फिर लौटा दे मेरे पैसे। सुन बे, अगर तूने एक हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरा सारा परिवार सड़क पर नजर आएगा। साले, जब तुझे पैसे चाहिए थे तो बार बार कॉल कर रहा था, और लौटाने का टाइम आया तो गायब हो गया। वाह बेटा, कितनी अच्छी कहानी सुनाई तूने। ये क्या हो गया आपको? हो सकता है ये सच कह रहा हो। अरे जो लड़का पढ़ने लिखने के बाद इतने टाइम से घर पर बेकार पड़ा हो, उसका जमीर अचानक जाग गया, पैसा कमा लाया, तुम इसकी बात पर यकीन कर रही हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये वीरू सर का घर है? हाँ वीरू सर का घर है। वो है ना हमारे घर पे पहले पढ़ाने के लिए आते थे, अब बच्चे ज्यादा हो गए ना तो उन्होंने कहा जो हमारे घर पे आ जाना पढ़ने के लिए। तो वीरू सर ने बुलाया था? यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, तुम लोग सब अंदर कमरे में बैठो, मैं अभी आता हूँ। वीरू तो बहुत बड़ा हो गया रे, तुझे पैदा होने से इतना बड़ा होने तक देखा, लेकिन वीरू से वीरू सर कब बन गया पता ही नहीं चला। अगर मुझे पता होता कि ये छोटी सी घटना तुझे तेरी जिम्मेदारी का एहसास दिला देगी तो काश मेरी ये बेइज्जती पहले हो गई होती। नहीं पापा, काश ये थप्पड़ आपने पहले मार दिया होता।